मछली जिसको दारू लगता पानी है सब रोके मुझे पीने से। डांटे मुझे मेरी मम्मी, खुद को मैं कैसे रोकूं, चीज बनाई इतनी। लेकिन आज मुझे मेरी मम्मी डांट नहीं सकती गाइस, क्योंकि ये खुला दरवाजा देख के आपको समझ जाना चाहिए कि घर में कोई नहीं है। इसीलिए गाइस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूनम पांडे जी के बारे में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ पता है मुझे, मरी नहीं है वो, और मुझे तो पहले ही पता था। मैं भगवान कसम में स्टोरी डालने वाली थी कि कहीं ये वो सीआर वाला कहानी ना हो रहा हो फिर से। याद है एक बच्चा रहता है अब्दुल जो अपने गांव में चिल्लाता रहता है कि शेर आया बकरियों को बचाओ, और एक दिन जब असली में शेर आ जाता है तो कोई बचाने नहीं आता है क्योंकि उसके पहले उसने कई बार मजाक करती रहती है। मैं कसम से ये कहानी स्टोरी पे लगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं नहीं भाई, लोग आजकल बहुत छुई मुई सा हो गए हैं, क्या पता कुछ बुराई लग जाए उनको, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार हुआ वही कि पूनम पांडे जी, मेरे को पता था एक तो वर्ल्ड कैंसर डे आ रहा था तो शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा हो, और मेरे साथ शायद कुछ लोगों और लोगों को भी लग रहा था कि वाहियात मजाक था ये। वैसे तो पूनम पांडे जी के पहले दुनिया ऐसी थी और उनके बाद दुनिया ऐसी हो जाएगी, दोनों वक्त सेम ही रहेगी, लेकिन फिर भी यार दिस इज अ वेरी वियर्ड जो आप पूनम पांडे को जानते हो। यार इट इज अ वेरी सैड न्यूज, मैंने देखा सुबह, बहुत ही सडन था, बट मे हर सोल रेस्ट इन पीस, और उनकी फैमिली को भी भगवान शक्ति दे यार ये इस दौर से गुजरने की। बट ईशा जैसी भी हो गाइस, बट मेरे को लगता है सबसे प्रिटीएस्ट कंटेस्टेंट वही है, क्योंकि एक तो वो गरम खून जवानी का जोश है, मतलब सुंदर लगती है यार। मेरे को सबसे सुंदर इस सीजन में ईशा ही लगी। छपरी साली स्माइल करके सैड है, फेक लोमड़ी। अब बोल मरी नहीं है वो, और मतलब अचानक से कोई अगर तुमको कोई न्यूज देगा उसके पहले तुम खुश हो तो स्माइल करके सैड ही हो जाओगे ना। हाँ नेचुरल फिनोमिना नहीं समझते हैं लोग। अंजलि मैक्सू नहीं आता है अंजलि मैक्सू से ज्यादा अच्छे से मुझे ये गाना याद है। उन्होंने भी लिखा इन शॉक एंड डिसबिलीफ आफ्टर हियरिंग, नहीं सॉरी गाइस उन्होंने नहीं लिखा है, इतनी अंग्रेजी नहीं आती उसको। सडन डिपार्चर हैज लेफ्ट, देख लो डिपार्चर भी बड़ा बड़ा शब्द लिख रही है, ये नहीं लिखी है इनका कोई जानने वाला लिखा होगा जिसको इंग्लिश अच्छे से आती होगी। बाकी ये सब RIP वाला ड्रामा एक तो मेरे से मतलब नहीं होता है इंटरनेट पे, तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। बाकी मेरे लिखने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ज्यादातर लोग अचानक से जब देखते हैं ना कि कुछ ट्रेंड है तो उसकी साइड लेने लगते हैं, और तुमको पता है मैं एकदम भीड़ से अलग चलती हूँ, भले उसके लिए मेरे को गाली क्यों ना सुननी पड़े। तो काचा बादाम जी ने भी अपना आंसू दुख जाहिर किया था स्टोरी पे इंस्टा के, द पूनम टेकर। वाह ये परफेक्ट लग रहा है यार, ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब अलग बॉडी पे चेहरा लगा दिया गया है। तो गाइस ये फेक डेथ का ड्रामा इसलिए किया गया है कि सर्विकल कैंसर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलाई जा सके। मेरे को लगता है कि अगर पर्सनालिटी इतनी तगड़ी होती तो सिर्फ एक दो शब्द उस बारे में बोलना भी इनफ होता लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए। मरने का नाटक करना मतलब इट्स नॉट कूल वे, पर शायद पूनम पांडे जी अपनी पर्सनालिटी से अवगत है कि हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते तगड़ा सा, तो मतलब चलो मरने का एक्टिंग ही कर लेते हैं। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली, तू पागल है क्या? पूनम पांडे तू पागल है क्या? ऐसे वीडियो, ऐसा कौन पब्लिसिटी स्टंट करता है मरने का? यार तू मीडिया वालों से खेली, मेरे फैंस लोगों से खेली, तू मेरे दिल से खेली, क्या खिलवाड़ तूने कर रखा है और वीडियो बना के बेचे मैं जिंदा हूँ? ऐसा गंदा कोई प्रैंक करता है क्या पागल? ये राखी अपने बारे में बोलने लगी क्या बाद में? तू मीडिया वालों से खेली, मेरे दिल से खेली, ऐसा गंदा कोई प्रैंक करता है क्या? अपने बारे में बोल रही है ना, क्योंकि भले ये पूनम का पहली बार हो सकता है लेकिन राखी के ऐसे प्रैंक्स के वीडियो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं वे। राखी क्यों बोल रही है मेरे दिल से खेली पता है तुमको? क्योंकि उसको इस बात का धक्का लगा है जो मेरे से ज्यादा बड़ी प्रैंकस्टर निकल गई। बहुत तगड़ा पब्लिसिटी स्टंट था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसको इस बात का बुरा लगा है। क्यों को ये बोलना चाहूंगी दैट प्लीज गेट योर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ASAP, बिकॉज मुझे भी लेनी है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। सो मैं बता रही हूँ तुमको मेरे एक्सपीरियंस से, किसी और सेलिब्रिटी को खबर हो ना हो कि पूनम निकली या बची, लेकिन इनको जरूर मतलब 200% खबर था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताने के लिए है, और पूनम जिंदा है।
क्योंकि ये जिस तरीके से बोल रही है ना कि मतलब मैं भी अभी वैक्सीन लूंगी, उसे पता चल रहा है कि ये लोग उस चीज को मतलब प्रमोट करना चाह रहे हैं, और इनको तो मतलब 200% पता था कि पूनम है। और तुमको पता है ना कि मतलब हमारे देश में डेली सूप्स ऐसे ही नहीं बनते, उसमें का जो ड्रामा है थोड़ा उससे भी ऊंचा का ड्रामा हम अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये लोग कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं, बट वैसा होते उससे ज्यादा होते होते मैंने देख लिया है लाइफ में। तो ऐसे ही किसी हमारे भाई बंधु ने लिखा है कि हनी शी डिडंट डाई ऑफ सर्विकल कैंसर, द होल थिंग साउंड्स लाइक अ कवर अप ऑफ समथिंग डार्कर दैट हैपेंड टू हर। हुआ तो कुछ नहीं वैसे, लेकिन इसको देखो भाई कितना शक कर रही है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, इससे ज्यादा कुछ हुआ होगा, ये लोग छुपा रहे हैं उतारे, कुछ भयंकर हुआ है, खतरनाक एकदम। अब अगर कोई भोला बेचारा रहेगा तो ये पढ़ने के बाद बोलेगा लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, क्या पता लोग सही बोल रहे हो, क्या पता वो पूनम का जो वीडियो आया है अब कि मैं जिंदा हूँ वो कोई और हो, वो पूनम ना हो। हाँ भाई बता रही हूँ मैं, ये लोग का ओवर थिंकिंग लेवल इतना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई वैसे सुन ले अगर एक दो मिनट के लिए ध्यान से तो उसको लगेगा मैं ही गलत हूँ, ये तो सही बोल रहा है। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. ये हुआ बैड न्यूज। Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that. Unlike other cancer. ये तो अभी आके बोल रही है कि हम जिंदा हैं, लेकिन तुमको पता है यूट्यूब चैनल वालों ने इनके देहांत का डेड बॉडी का वीडियो भी डाल दिया, पता नहीं किधर से लाके, देखोगे तो मरने का वीडियो दिखा रहे हैं ये लोग, लेटी हुई है वो उसमें, पता नहीं किसी मूवी का सीन वीन होगा, नीला मूवी का, उसमें से निकाल के ये लोग दिखा रहे हैं कि निकल ली। अगर ये सही में हुआ होता तो पूनम पांडे के घर से पहले यूट्यूब चैनल को उनका डेड बॉडी मिल गया होता। पूनम पांडे इज जस्ट अहेड ऑफ टाइम, 1 अप्रैल नहीं था ये, 1 फरवरी था। इस दिन ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। इस पे किसी महिला ने लिखा है कि ऑनेस्टली ये तरीका जो था इसने मेरे को याद दिलाया कि मुझे वैक्सीन लेना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे को क्या लगता है कि अच्छा हुआ पूनम पांडे की किसी और हरकत ने आपको कुछ और करने को याद नहीं दिलाया। अजीब है भैया, ये कोई तरीका है ही नहीं इस अवेयरनेस स्प्रेड करने का, पागल। अगले 50, 60 साल, 80 साल जब तक होंगी तो तब तक ऐसी करती रहोगी और ऐसी खुश होंगी। लगता है सैड सॉन्ग जमा करके रखते हैं कि कोई निकले और फिर हम उसमें ऐड करके वीडियो में बना डाले रीले। कैसा लगता होगा ऐसा एडिट डाल दिया जिसके लिए डाले वो जिंदा है। अगर मैं बता रही हूँ इतने नीच लोग है ना दुनिया में कि ये जब न्यूज आया कि निकल ली है तब लोग कमेंट कर रहे हैं कि तो आप मेरे प्रीमियम को क्या होगा, मेरा पैसा तो वापस करो, क्या मतलब आपको MMS नहीं आएगा। अबे चूतियों, कोई मर गया है तुमको मजाक सूझ रहा है, मतलब नहीं मरा है अब बाद में पता चला ना, उसके पहले क्या अजीब लोग है भाई दुनिया में। कल मेरे को पता चला कि मेरे से भी ज्यादा गंदे लोग हैं दुनिया में। काम ऐसा करो कि सब धर्म जाति के लोग मिल के गालियां। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये गेम चल रहा था, रिवाइव हो गई अभी ये। शकल देखेगा भी तन जियान, अरे तो जियान जियान है आप। कितनी इज्जत से बात कर रहे हो यार, कोई ऐसे मेरे को गरिया भी दे मैं बोलूं बोले चूतिया है आप, मेरा ऐसे हो जाएगा। जियान है आप और आप सुनियो है। देखो मुझे माँ की गाली दें लोग, बहन की गाली भी दें, ठीक है, कुछ तो मुंह के मुंह भी दे दें, पर मैं उनको मतलब इंगोर कर दूं, मतलब इंगोर गलत बोले कोई बात नहीं, इंग्लिश तो मतलब हम सारे इंडियंस का हक है गलत बोलने का, लेकिन मुंह के मुंह दे दे भाई। ऑलराइट गाइस क्षमा करो, माफी दो हमको, हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।